जनरेशन। हम वो कंपनी नहीं है कि जो प्लान चेंज करे, हम नो प्लान चेंज पॉलिसी पे है, हमारा कभी भी प्लान चेंज नहीं होगा। 5 जनवरी 2016 से हमारा प्लान है, आज तक ना चेंज हुआ, और जिसने चेंज करवाने की कोशिश करी वो हमारे साथ टिका ही नहीं। yes. तो सजेशन नहीं लेते हम प्लान पे, प्लान के हमारे पे रिजल्ट आ चुके हैं। हम अपने मैचिंग के प्लान में 500 से ज्यादा पे आउट दे चुके हैं, उससे भी क्या 500 से ज्यादा पे आउट दे चुके, कोई जरूरत ही नहीं इसके बारे में सोचने की, ठीक है ना। 500 वीक से पे आउट दे रहे हैं, लोग कैपिंग अचीवर है हमारे यहाँ पे, और क्या चाहिए। और लोग जो जितना काम कर रहा है, जितना इरादा है उसका उतना प्यार बढ़ रहा है, तो इसी में कर्म करना है। कैसे मल्टीपल आईडी खेलनी है, कैसे नहीं खेलनी है, राजीव जी ने कल आपको आईडी नहीं था, अब मैं कर रहा हूँ आपको जो हमारा ऑटोमेटिक जनरेशन प्लान है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, आप जहां भी एंट्री लेंगे यहां लेंगे, ये जाते यहां लगता है, दादा है। दो जिनेलॉजी है, एक ये, और यहां पे जिनेलॉजी ऐसे बनती है, यहां पे 1 2 3, यहां आपने 2 स्पॉन्सर किए थे, तीसरा आपने यहां स्पिल मारा, और 3 ऐसे लगेंगे जनरेशन प्लान। ये क्लियर है? यस yes. क्लियर yes. 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 आगे बढ़ते हैं। हमारे आप सब लोग क्या सिल्वर रैंक पे हो? जैसे नो सिल्वर रैंक तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सिल्वर रैंक, क्योंकि अब मैं सीधा आता हूं जनरेशन में। ग्लोबल टर्नओवर लेना है, ग्लोबल टर्नओवर किसको मिलता है? किसको मिलता है? गोल्ड एंड अबव। किसको मिलता है? गोल्ड एंड अबव। ये याद रखना पहले, गोल्ड एंड अबव। तो हर सिल्वर वाले को अगर ग्लोबल टर्नओवर क्या होती है ये समझ लो। जो ग्लोबल टर्नओवर है, ग्लोबल टर्नओवर ये सारी ओनली रीपर्चेज प्लान पे है, ये जेबी पे नहीं है, ओनली ऑन रीपर्चेज। अब रीपर्चेज प्लान में ग्लोबल टर्नओवर में आपकी सेल्फ की टीम भी आएगी, जो आपकी अपनी टीम का आरवी होगा। अब एक बड़ी महिला बताऊंगा, एक सेल्फ की टीम है और एक ग्लोबल टीम है, यानी कि आपके अलावा जो आपके स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। ग्लोबल मीन सबकी टर्नओवर। अब सबकी टर्नओवर में आपका सेल्फ भी इंक्लूड है, ग्लोबल भी इंक्लूड है, लेकिन आप जो पॉइंट बनेंगे अपने सेल्फ के पॉइंट से, आपका क्या सेल्फ का पॉइंट है और ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से सेल्फ के पॉइंट। अगर आपका रीपर्चेज अच्छा है तो आपका अच्छा पे आउट बनेगा, आपका रीपर्चेज कम है तो कम पे आउट बनेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इतना बड़ा मोटा पे आउट बनता है क्योंकि ग्लोबल टर्नओवर। अब आपकी सपोज आपकी तो हुई है 2000 आरवी का बिजनेस, कंपनी का हुआ 2 लाख आरवी का बिजनेस, आरवी का, तो आप 2 लाख के आरवी के बिजनेस पे का भी आप ग्लोबल टर्नओवर बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि आपकी टीम नहीं समझ रहे ग्लोबल टर्नओवर। हेलो यस, समझ में आ रहा है? यस। ये ग्लोबल टर्नओवर है। अब ग्लोबल टर्नओवर में हम आपको कितनी इनकम देते हैं, कौन कौन सी इनकम देते हैं ग्लोबल टर्नओवर? हम आपको देते हैं तो जनरेशन मैक्स, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड क्या देते हैं? ट्रैवल फंड 3%। दूसरा देते हैं जनरेशन मैक्स बोनस। तीसरा देते हैं डायरेक्टर जनरेशन मैक्स बोनस। चौथा देते हैं कार फंड, और पांचवा देते हैं लीडरशिप ओवरराइड बोनस। ये 5 इनकम आपको ग्लोबल टर्नओवर से मिलती है, 5 इनकम मिलती है ग्लोबल टर्नओवर से, ये समझ लो आप। अगर आप एमराल्ड हैं तो आप इन चारों के हकदार हैं, अगर आप पीडी हैं तो आप ये 5 इनकम के हकदार हैं, ये समझ लो आप। क्योंकि डायरेक्टर जनरेशन को भी 4 ही मिलती, 5 नहीं मिलती, फिर ये नहीं मिलती पीडी को, ये डायमंड तक के लोगों को मिलती है बस। तो डायरेक्टर मिलनी है, 4 इनकम ही है ग्लोबल, चाहे आप किसी भी रैंक पे क्यों ना हो। और जो कार फंड है वो एमराल्ड के बाद शुरू होता है, क्लियर। एमराल्ड जो कार फंड है उसकी लिमिट है 75,000 इन ए मंथ मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलता कार फंड, 75,000 रुपए
और डेक्कन में लोगों के 65,000 रुपए, 70,000 रुपए, 55,000 रुपए कॉमन बनते हैं। इशारा कर देता हूं, कॉमनली बनते हैं ये कार फंडा खाली, और इनकी कोई लिमिट नहीं, इसकी इसकी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी ने किसी की लिमिट नहीं रखी इसके अलावा। 75,000 रुपए की लिमिट है वो एमराल्ड एंड अबो। कोई भी गाड़ी खरीद लो 75,000 रुपए की, तो किसी गाड़ी की मर्सिडीज की बनवा लोगे आप, ठीक है ना, बड़े आराम से भुगत लो। और ये एक इकलौती ऐसी कंपनी है, पहले तो कंपनियां कार फंड के नाम से पैसा रोकती थी लोगों का, यहाँ हर महीने हम रिलीज करते हैं, किसी का 2,000 बने, 20,000 बने, 5,000 बने, हम रिलीज कर देते हैं। और जो ट्रैवल फंड का पोर्टल है ये 6 महीने के लिए वेट किया जाता है, और 6 महीने बाद हम इसको रिलीज करते हैं। अगर कोई उसी महीने अगर कोई टूर जा रहा है इंटरनेशनल, तो आप उसे मर्ज करके बाकी बैलेंस डाल के आप जा सकते हैं, या फिर आप इसको अपने मेरिट में ले सकते हैं। 100% जनरेशन मैक्स बोनस, ये बहुत बड़ी इनकम है। गोल्ड एंड अबव, गोल्ड के नीचे गोल्ड होगा तभी ये इनकम आती है, खाली गोल्ड में भी इनकम आती है, लेकिन कितनी जनरेशन तक आएगी, कितनी लाइन तक आएगी, ये आपको समझना। मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने एग्जांपल करूंगा, आप उससे बाकी सारी इनकम आप समझ जाएंगे। रेडी? यस। कितने लोग गोल्ड एंड अबव बैठे हैं आप लोग? हमने बोल के रखना, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं अगर आपके लिए रीपर्चेज प्लान चल रहा है। अगर आप देखो, सबसे बड़ी बात है, जिसकी बाइनरी अच्छी चल रही होगी ना मैचिंग, उसी का रीपर्चेज चल रहा होगा, और जिसका रीपर्चेज सिर्फ पहला पाली से चल रहा है तो एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कर्म क्षेत्र एक ही जगह है, जितने ज्यादा से ज्यादा टीम में तुम्हारे लोग होंगे उतना ज्यादा रीपर्चेज होगा, ये क्लियर हो गया। अब सपोज हम देते हैं गोल्ड के नीचे, गोल्ड को देते हैं, सपोज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में मिलता ना जनरेशन मैक्स बोनस, यस या नो? यस। अब किसके नीचे? गोल्ड के नीचे, ये तो हो गया इसका सेल्फ फर्स्ट जनरेशन, सेल्फ फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको। इसके नीचे दूसरा गोल्ड, अब आपके नीचे भी गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्ड का गोल्ड के दो, आप भी अगर आप देखें प्लान के हिसाब से, सीरियल के हिसाब से, आप भी 23 में, वो भी 23 पे, कोई इनकम नहीं आती डिफरेंशियल, लेकिन जनरेशन मैक्स के रूप में आपको इनकम आती है, अगर वो नहीं आती तो बाकी इनकम आपको दे रहे हैं। और गोल्ड के नीचे एक और हो जाएगा गोल्ड, यानी कि एज ए गोल्ड डायरेक्टर आप 3 जनरेशन का पैसा ले सकते हो सेल्फ मिला, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप रूबी हैं तो आप 4 लाइन का, 4 डेप्थ का, एमराल्ड है 5 डेप्थ का, बढ़ता जाएगा आपका नीचे रैंक के हिसाब से आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा। अभी हम गोल्ड की कैलकुलेशन आपको देते हैं। एक गोल्ड जो बनता है कौन है गोल्ड, जल्दी नाम बोलो अपना, कोई भी बोलो, सुभाष जी हैं यहाँ पे, और कौन है गोल्ड जल्दी यहाँ पे, बलजीत, और कौन है गोल्ड यहाँ पे, विनोद, ये विनोद जी सबसे ऊपर है, विनोद सपोज सबकी अपलाइन है, ये दोनों इसकी डाउनलाइन में एक ही लाइन में, क्वेश्चन क्या है, एक ही लाइन में दोनों गोल्ड है। अब गोल्ड कैसे बनते हैं, 1500 तीन लाइन से, 1500 से आप आरबी मान लो उसको, तो कैलकुलेशन तो आरबी की होनी है ना, तो 1500 आरबी तो कितना, 600 इससे, 600 इससे, 300 इससे, तभी ये गोल्ड बनता है। यस नो? यस। अब ऊपर वाला गोल्ड कैसे बनता है, इसको भी वही करने है 1500, तो 600 तो उसके एक लाइन में हुए हुए हैं, दूसरी लाइन से 600 और 600 और 300 हुए, ऊपर वाला भी गोल्ड है उसका भी कितना आएगा, 600 और 300, और इन सबके 6-6 आरबी होने चाहिए सर। योगा के लिए कंपनी देखती है, अगर इसका गोल्ड के अलावा अगर इसके 54+6 60 पीवी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्ड के अलावा, जैसे ये गोल्ड लाइन है, अब इस गोल्ड के पर्सनल पीवी ये भी है, 6 भी है, ये भी इसके पर्सनल है, ये गोल्ड नहीं है,
और कंपनी के रिक्वायरमेंट कितने 60 और ये हो कितने गए 960। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये गोल्ड जितने भी गोल्ड हैं ये इनको ये पढ़ना। अब आगे इनकी कैलकुलेशन कैसे हो एज पर अवर बिजनेस प्लान। हम तीन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का 9%, सेकेंड जनरेशन का 8% और थर्ड जनरेशन का 7% का हिसाब से कैलकुलेशन पॉइंट बनता है। प्योर नहीं बनता, कैलकुलेशन पॉइंट बनेगा। पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि 9% नहीं आएगा मेरे को, मेरे उसका, अरे भाई तेरे का नहीं आएगा, ये पूरी कंपनी की कैलकुलेशन चलेगी। अब आपने इन सब के पॉइंट बनेंगे। अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो मैं बता रहा हूं वही कंप्यूटर करता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे होती है। अब हमको किसके पॉइंट निकालने, पहले विनोद के, क्योंकि विनोद सबसे ऊपर है। अब विनोद यहां पे है 906। कितने पॉइंट हुए इसके? 906। पहली जनरेशन में कितने परसेंट के पॉइंट बनेंगे? 906। तो 906 इंटू 9 कितने बने? 81 लगा लो, 6 हटा दो यार, 81 पॉइंट बने। किसके? इसके अपने बने। अब इसी के नीचे दूसरा गोल्ड है बलजीत, तो इसको इस गोल्ड के फर्स्ट जनरेशन कितने बनेंगे, इसके भी कितने बने? 900 इंटू 8 कितने हो गए? 72। अब ये भी गोल्ड इसके नीचे है, इसे कितने पॉइंट है टोटल? 1500। तो 1500 का कितना बना? 7%। कितना हो गया? 105। तो टोटल पॉइंट विनोद के कितने हुए? करो जल्दी से कैलकुलेशन, कैलकुलेटर खोल के रखो। ये किसके पॉइंट बन रहे हैं? किसके बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ऊपर है। कितने बने पॉइंट? 258 पॉइंट बने। ये किसके पॉइंट बने? विनोद के। विनोद के बने, कंफ्यूज मत होना, ये विनोद के पॉइंट है, क्योंकि दो जनरेशन का मिल रहा है उसको, दो जनरेशन का पॉइंट मिल रहा है। अब आते हैं बलजीत का पॉइंट। बलजीत का पॉइंट निकालना है तो इसको भी 900 का कितना मिलेगा? 9% कितना होगा? 81। अब इसके नीचे ये है 1500, इसका कितना मिलेगा? 1500 का कितना? 820। ये हो गया 120। इसको क्यों दो का मिला? क्योंकि ये फर्स्ट है, ये जनरेशन के नीचे कोई गोल्ड नहीं है। समझ गए मेरी बात आप? तो कितने पॉइंट हो गए इसके? 201। तीसरे जनरेशन में कौन है? अब सुभाष के पॉइंट निकलते हैं। बिजनेस यही है, पॉइंट कैसे बन रहे समझ रहे ना आप? अभी इनके सेल्फ टीम के अपने सेल्फ पॉइंट से पॉइंट बन रहे हैं अभी। अब इसके आ जाओ आप इसके सुभाष के, तो सुभाष के कितने पॉइंट बनेंगे? कोई बताया कितने पॉइंट बनेंगे इसके? 1500 का कितने परसेंट? 9%। कितने परसेंट? 9%। तो 1500 का 9% कितना होगा? 135। ठीक है, अब इन तीनों गोल्ड के, नाउ लेट्स अज्यूम कि दीस थ्री आर क्वालिफाइड इन दिस लाइन, है इसी एक लाइन में अभी ये बिजनेस चल रहा है, तो तीनों का कितना होगा? विनोद प्लस बलजीत प्लस सुभाष, ये हो गया 594। कैसे आपको बता सकता है? तीनों को लाने से, इसको जमा किया, इसको जमा किया, इसको जमा किया, तीनों का मिला के 594 आ गया। ये हो गया इन तीनों गोल्ड की कैलकुलेशन। अब हम बोलते हैं इसको ग्लोबल टर्नओवर का पैसा देते हैं। ये तो इनके अपने थे पॉइंट, अपने पॉइंटों से बना। ये बाउंड्री प्लान मैचिंग प्लान के अलावा ध्यान रखना, वो 90 का कैपिंग अलग है, वो इससे अलग है, ये अलग है। अब कंपनी कहती है कि आप जितना भी ग्लोबल टर्नओवर होगा आर्मी का, जितना भी पूरी कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर होगा आर्मी का, चाहे अभी कोई टीम है नहीं, टोटल टर्नओवर मैं बोलता हूं चलो ये 20 या 30 हजार आर्मी का बिजनेस हुआ कंपनी का। क्योंकि दुनिया जो है ना 6-6 आर्मी तो कर ही रही है ना अपने, बिल्कुल दुनिया कर रही है,
लाखों लोग तो करेंगे ना, 6000 जिन्होंने पैसा दे रहा हमारा काम 30,000 हो गया। अब कंपनी बोलती 30,000 आरवी का मैं 9% जनरेशन मैक्स बोनस में बांटूंगी। अब 30,000 का 9% कितना होता है? कितना? 2,700 आरवी बांटेंगे क्योंकि आरवी था ना, 2,700। अब इसका पॉइंट बनाना है। अब कंपनी का एक पॉइंट का वैल्यू बनेगा, कैसे बनता कोई बताएगा पॉइंट वैल्यू? किसको डिवाइड करना है? कंपनी का आरवी को, जितने टोटलों का गोल्ड गोल्डों का आरवी टोटल बना, ये जैसे ये टोटल बना 2,700 डिवाइडेड बाय 4.54 आरवी। अगर मैं आरवी को 100 से गुना कर दूं तो 454 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू है। डिपेंड अपॉन ग्लोबल टर्नओवर, आपका पॉइंट वैल्यू कंपनी का अप एंड डाउन होता रहता है। कभी ये 70 रुपए भी जाता है, कभी 150 रुपए भी जाता है, कभी 225 रुपए भी जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा गोल्ड क्वालिफाई होंगे उतना ज्यादा जाता है। क्लियर बात कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात? अब ये 454 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू है, कैसे निकलेगी? समझ में आ गया आपको? यस सर। हेलो, समझ में आ गया? यस सर। अब आते हैं हम दोबारा, अब किसको मैं सोचता हूं कि सिर्फ ये ही तीन आदमी गोल्ड बने कंपनी में, ये मान लेते हैं ये ही तीन आदमी बने, ठीक है? तो ये जो विनोद है, एक पॉइंट की वैल्यू लिख ली 494 रुपए 454, तो 254 कितना बना? 1,17,132 रुपए किसका बना? ये विनोद का। अगर सपोज ये 200 रुपए रेट होता, 80 रुपए रेट होगा, इस पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? वैसे पिछले महीने का जो रेट है 102 रुपए, ठीक है? अब अगर ये 258 × 454 तो 1,17,000 बिजनेस कितना किया? इतना ही किया इसने, क्योंकि ग्लोबल टर्नओवर में इतना बिजनेस आ रहा है तो इसके इसके पॉइंट की वैल्यू मिली। अब सपोज ये रहा बलजीत को 201 × 454 कितना बना? 91,254। ये किसका पे आउट है? बलजीत का। और ये किसका पे आउट है? इसका सुभाष का कितना बना? 135 × 454 61290। ये समझ लो तीन लाइन है। अगर ऐसी 300 लाइन होंगी कंपनी में तो पॉइंट वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ये तुम्हें मुझे क्या बताना है कैलकुलेशन कैसे होती है? सपोज अभी तो मैंने तीन एक ही लाइन करी, ऐसी 300 लाइन भी कैलकुलेशन, जितनी ज्यादा लाइनें होंगी कंपनी में, जितना ज्यादा फैलेगा जाल, जितना बड़ा फैलेगा उतना आपका ये जनरेशन मैक्स ग्लोबल टर्नओवर ही ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आपका टीम का फैल रहा है, आपका नहीं फैल रहा, दूसरे का फैल रहा है, तो आपके पॉइंट तो आपके बिजनेस से काउंट हो रहे हैं ना, तो जिसका ज्यादा फैलेगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। ये समझ में आ रही आपको मेरी बात? अब देखो कंपनी ने क्या करा, अब इसमें कंपनी पैसा नहीं बचा सकती। कंपनी ने बोला टोटल 30,000 हुआ। अब कोई बोलता है कि सर कंपनी कहेगी 30,000 नहीं, आपको तो 20,000 हुआ, घपला कर लिया कंपनी ने। बड़े समझदार लोग क्वेश्चन करते हैं ना, है किसका फोन है ये? क्वेश्चन करते हैं लोग बाप कि कंपनी घपला है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन बैठा है? सबसे ऊपर भैरव बैठा है। मैं चाहूंगा कभी मेरा प्यार कमाए, चाहूंगा राजीव का भी प्यार कमाए, कभी चाहूंगा इसका ज्यादा आया तो मेरे को तो ज्यादा ही आएगा ना। yes. तो इस कंपनी का टोटल टर्नओवर कहां से पता लगता है? तो
तो इस क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो गया सर? यस। तेरा नंबर पूछे फोन में यही करता हूँ। आपने कितना काम किया बता दो, टोटल काम कितना आ रहा है मुझे बता दो। तो ये टर्नओवर वाले सवाल दूसरी कंपनी में चलते, यहाँ नहीं चलते। ट्रांसपेरेंट है हमारा, अरे हम इतना ट्रांसपेरेंट है यार, जेबी की इनकम हम कैलकुलेटर लगा कर रखा हुआ डेली का, इतना ट्रांसपेरेंट है हम लोग। तो कंपनी ने 9% बांटा, कितना 2700 × 100 करो तो कितना बनता है, 270,000 रुपए बांटना था। अब 270,000 रुपए बांटना था, इन तीनों में बटा, कंपनी का पूरा बटा ना, 117 × 91 × 61,000 करोगे तो 271,000 ही बनेगा। तो कंपनी पैसा नहीं बचा सकती हमारे इस प्लान में। जो बोलते हैं ना राजीव वर्मा बोलते हैं कि 92% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, 60 रुपए का 92% है तो है, यानी कि हर 100 रुपए में जनरेशन प्लान में हर 100 रुपए में 55 रुपए आपके और हमारे। अब जो बाकी बचे कितने, 45। अब 45 में कंपनी प्रोडक्ट भी बना रही है, फ्रेंचाइजी अलग उसी में ही है, सब उसी में ही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसमें ही है, जीएसटी भी उसी में ही है, सब कुछ उसी में है, कोरियर भी उसी में ही है, उसके बाद तुम्हारे को इंटरनेशनल भेज रही वो भी उसी में ही है, डोमेस्टिक भी टूर दे रही सब उसी में ही है। यानी कि कंपनी के पास, मिंटू जी एक ही बात बोलते हैं, मालिक मैं नहीं हूँ, कैलकुलेशन होती है, एक दिन में आप नहीं समझ पाओ, प्रैक्टिस करो सर। एक सवाल है, सवाल ये है कि